गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक के ऊपर। आप भाई अपनी फेसबुक को ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ ही आप भाइयों को ऊपर नंबर फर्स्ट पे होम का आइकन देखने को मिल रहा है, नंबर टू पे ही नोटिफिकेशन का आइकन देखने को मिल रहा है और नंबर थ्री पे थ्री लाइंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो गाइस, आपको इधर जो है वो ना तो ग्रुप का आइकन देखने को मिल रहा है और ना ही वीडियो का आइकन देखने को मिल रहा है और ना ही प्रोफाइल वाला आइकन। सो गाइस, अगर आप भाइयों को इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आपके मोबाइल के अंदर फेसबुक के ऊपर, सो गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप भाई अपने ग्रुप वाले आइकन और इसके साथ ही आप भाइयों को प्रोफाइल वाला आइकन और इसके साथ जो है वीडियो वाला आइकन, आप उसे कैसे अपनी फेसबुक के अंदर दोबारा ला सकते हैं, ताकि आप भाई उसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ आप भाई वीडियो वॉच कर सके, अपने ग्रुप की तमाम डिटेल देख सके और इसके साथ ही अपनी प्रोफाइल का विजिट कर सके। तो बहुत ज्यादा भाइयों के फेसबुक के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। सो गाइस, पहले ये होता था आपको अगर एक आइकन मिसिंग है तो आप दूसरे आइकन के ऊपर क्लिक करके मैनेज शॉर्टकट में जाके अपनी उस शॉर्टकट को इनेबल कर सकते थे, लेकिन आप भाइयों को तो इधर आप भाइयों को तमाम के तमाम ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सो गाइस, अगर आप भाई जानना चाहते हैं कि हम इन ऑप्शन को कैसे दोबारा लेके आए, तो सो गाइस आपने मेरी वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप भाई मेरी वीडियो का स्टेप मिस करेंगे, वरना आप भाइयों को समझ नहीं लगेगी आप जो है इन ऑप्शन को कैसे दोबारा लेके आए। फेसबुक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आप उधर मुझसे जरूर पूछ भी सकते हैं। सो गाइस, बिना वक्त के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों ने अपनी फेसबुक को ओपन कर लेना है। तो जिस तरह मेरे पास फेसबुक पहले ही ओपन है, उसके बाद आपने थ्री लाइंस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थ्री लाइंस वाले आइकन के ऊपर करेंगे, आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो बिल्कुल आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर फर्स्ट पे ही आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप भाइयों की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप भाइयों ने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बिल्कुल आप भाइयों ने स्क्रॉल डाउन करते जाना है तो आपको स्टोरी के नीचे नोटिफिकेशन के नीचे आपको शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो गाइस, शॉर्टकट के नीचे अगर आप भाई गौर से देखें, शॉर्टकट बार देखने को मिल रहा है, आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप भाई जिस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबर फर्स्ट पे जो ग्रुप वाली परमिशन है ये भी डिसेबल है, आपने इसे भी इनेबल कर देना है और वॉच वीडियो वाली भी और नंबर टू पे प्रोफाइल वाली भी, आपने इन तमाम जो ये परमिशन डिसेबल है आपने इनको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप वापस अपने डेस्कटॉप के आएंगे तो इधर आप भाई देख रहे हैं आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे। अभी थोड़ी देर के अंदर ये जो ऑप्शन है वो दोबारा वापस आ चुके हैं। तो नंबर फर्स्ट पे होम जो हमारा ऑप्शन पहले था, नंबर टू पे आप भाइयों की प्रोफाइल का आइकन है और नंबर टू पे आप भाइयों की वीडियो है और नंबर थ्री पे ग्रुप का आइकन है। तो ये प्रोफाइल वाला आइकन हमें इस साइड पे देखने को मिल रहा है। आप भाइयों ने करना क्या है, आपने इसे डिसेबल कर देना है और डिसेबल करने के बाद आपने फिर दोबारा इसे इनेबल करेंगे तो ये आपको आपके नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें देखने को पहले क्यों मिला, हमने सबसे पहले इसकी परमिशन इनेबल की थी। तो आपने ये ध्यान उस वक्त रख लेना है, आपने सबसे पहले ग्रुप की परमिशन इनेबल करनी है, उसके बाद वीडियो की, उसके बाद अपने प्रोफाइल की। सो गाइस, आप भाइयों को पता चल गया है कि आप इन ऑप्शन को दोबारा वापस किस तरह लेके आ सकते हैं। तो आप भाइयों ने इस मेथड को इस्तेमाल करना है। तो जिन भाइयों के ये जो डिसेबल थे पहले, अब इनेबल हो चुके हैं, उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स से मुझे जरूर बताना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। और उसके साथ ही अगर आप भाइयों बॉक्स से आप मुझसे जरूर पूछ भी सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।